राज्यपाल राजेंद्र विश्व आर्लेकर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के नीक क्षय मित्र बने। रोड़ उपमंडल के टिक्कर को लिया गोद। हिमाचल को क्षय मुक्त बनाने के लिए सकारात्मक पहल। मनाली की फ्रेंडशिप पीक पर 19 नवंबर से लापता ट्रैकर आशुतोष को ढूंढने के लिए आज भी जारी रहा तलाशी अभियान। उपायुक्त ने कहा, तलाशी अभियान में चॉपर व ड्रोन कैमरे की ली जा रही मदद। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा, कांग्रेस का पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा खोखला। 8 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के दावों की खुलेगी पोल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा परिणाम में 80% विद्यार्थियों के फेल होने पर छात्र संगठनों ने दिए धरना प्रदर्शन। परिणामों में अनियमितता का लगाया आरोप। कोविड काल के बाद रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब धर्मशाला में पहली बार पुलिस अधिकारियों के ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। प्रोग्राम में नॉर्थ जोन के 18 पुलिस जांच अधिकारी ले रहे भाग। मंडी जिले में विधानसभा चुनाव मतगणना की तैयारियां। जिले के 10 उपमंडलों में होगी मतगणना। इस बार क्षेत्र में हुआ 75% मतदान। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट फिर से शुरू करेगी कपड़ा बैंक। सचिव प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने कहा, सर्दी में गरीब व जरूरतमंद लोगों को कपड़ा बैंक से बांटे जाएंगे कपड़े। नाहन के शमशेर राजकीय विद्यालय में स्कूल सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन। एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन नालागढ़ ने स्कूली बच्चों को दी फर्स्ट एड व आपदा प्रबंधन की जानकारी।